नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो 2024 में अगर आप अपना मोबाइल नंबर चेंज कराना चाहते हो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, तो आपको है जो कि क्या क्या करना होगा, कैसे आपको फॉर्म भरना होगा, कौन सा फॉर्म भरना होगा, सब कुछ आप सभी को बताने वाला हूँ। कितने समय में आपका मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा ये भी आपको बताऊँगा, और सारी डिटेल्स आपको देने वाला हूँ कि इसके साथ आप क्या डॉक्यूमेंट दोगे और क्या चीज़ आपको करना होगा। तो सब चीज़ डिटेल में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लाइक नहीं करिए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेशनल कंटेंट हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो ये फॉर्म आपको मिलेगा कहाँ से, तो ये फॉर्म में जाके आप अपने बेस ब्रांच से ले सकते हो, जो कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की आपकी ब्रांच होगी, वहाँ से आप ये फॉर्म इजीली ले सकते हो। तो ये सब अब आपको बताता हूँ इसमें आपको भरना क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जो कि अपना अकाउंट फिल कर देना होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं अकाउंट नंबर भरने का आपको ऑप्शन यहाँ मिल जाता है। तो यहाँ पर है जो कि आप अपना अकाउंट का है जो कि नंबर भर दोगे, जो भी अकाउंट नंबर होगा फिलअप कर दोगे। उसके बाद देखिए, यहाँ पर जो कि आपको नेम भरना होगा कस्टमर का। सबसे पहले तो आप यहाँ पर टाइटल लगा दोगे, जो भी आप टाइटल लगाते हो, जैसे कि मिस्टर लगाते हो तो मिस्टर आप यहाँ पर लिख दोगे। और उसके बाद जो कि आपको अपना नाम भर देना होगा, यहाँ पर आप भर देंगे फर्स्ट नेम, मिडल नेम हो तो मिडल नेम भर दे, और लास्ट नेम। ये भरने के बाद ये चीज़ हो गई है। उसके बाद देखिए, वैसे तो इस फॉर्म में आप काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि कर सकते हो, जैसे कि अपना एड्रेस चेंज, कॉन्टैक्ट डिटेल्स चेंज, अपना है जो कि आइडेंटिटी अपडेट कर सकते हो। पर आपको मैं बता रहा हूँ फ़ोन नंबर चेंज करने के लिए, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक कॉलम आपको मिलता है, देखिए संपर्क ब्यौरे में परिवर्तन, चेंज ऑफ कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो यहाँ पर आप चाहो तो अपनी ईमेल आईडी भी अपडेट कर सकते हो और मोबाइल नंबर भी अपडेट कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे कि मुझे अपना करना है मोबाइल नंबर अपडेट करना है, तो सिंपली आपको जो कि इधर आना है, इस पर टिक करना होगा, और एक टिक आप यहाँ देख रहे हो, ये दो नंबर लिखा है, इस पर आप टिक कर दोगे। इस तरीके से टिक कर दोगे। अब यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर भरना होगा अपना। अब बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, जो नंबर पहले से ही लिंक है अकाउंट में, वो मोबाइल नंबर यहाँ पर भर देते हैं। पर यहाँ पर आपको भरना होगा अपना नया वाला मोबाइल नंबर, जो कि अब आप खाते में है जो कि लिंक कराना चाह रहे हो। तो यहाँ पर अपना है जो कि आप नया मोबाइल नंबर है जो कि लिख दोगी। उसके बाद जो कि आपको इस फॉर्म में इधर कुछ भी नहीं करना है, एक भी चीज़ आपको फिलअप नहीं करनी है, सीधा आपको जो कि बैक साइड पर जो कि आ जाना होगा। देखिए, यहाँ पर आप बैक साइड पर आते हो तो यहाँ पर भी आपको है जो कि काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी, आपको इसमें से भी कुछ भी नहीं भरना है। आपको सिंपली है जो कि नीचे की तरफ आ जाना है एकदम लास्ट में। यहाँ पर देखिए, आपका है जो कि एक डिक्लेरेशन दी गई है, टर्म एंड कंडीशन, ये आपको पढ़ लेनी होगी अपनी। यहाँ पर है जो कि आपको नेम भरना होगा एप्लीकेंट का, जो कि नाम भरना होगा। तो यहाँ पर अपना है जो कि एप्लीकेंट का नाम भरते, जो भी एप्लीकेंट का नाम हो। उसके बाद यहाँ पर है जो कि एप्लीकेंट के साइन, यानी कि जो भी एप्लीकेंट सिग्नेचर करता है वो सिग्नेचर यहाँ पर भर देंगे। यहाँ पर नाम और यहाँ पर सिग्नेचर, ये ध्यान रखना है। और उसके बाद यहाँ पे प्लेस, तो प्लेस जहाँ से भी आप ये कर रहे हैं, जैसे कि मैं दिल्ली से कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं दिल्ली भर दूंगा, तो दिल्ली हो गया अपना। और जिस डेट को मैं ये फार्म बैंक में जमा कराने वाला हूँ, वो डेट यहाँ पर आप डेट, मंथ और ईयर इस तरीके से भर देंगे। और डेट भरने के साथ ही है ये फॉर्म फिलअप का काम आपका यहीं पर है जो कि ख़त्म होता है। अब आपको क्या करना होगा, तो ये फॉर्म ले जाके आप सिंपली है जो कि बैंक में जमा कर दीजिए। इसके साथ आपको कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ देने की जो कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने चेंज कराया था, मुझे कोई आइडेंटिटी प्रूफ देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, बस ये फॉर्म भरा हमने, वहाँ पर वेरिफिकेशन अपनी हो गई और उन्होंने बोल दिया हो जाएगा और घर भेज दिया हमें। तो उसके बाद है जो कि 2 घंटे के अंदर है जो कि मेरे पास मोबाइल नंबर चेंज या अपडेट होने का मैसेज आ चुका था। और वैसे इसका मैक्सिमम जो समय होता है फ्रेंड्स, वो लोग 24 घंटे का समय है जो कि आपसे मांगते हैं इसे अपडेट या चेंज करने के लिए। तो आप भी चेंज कराएं तो आपको 24 घंटे का है जो कि वेट करना होगा। कई लोग सोचते हैं ये तुरंत के तुरंत हो जाता है, तो तुरंत नहीं होता है, 24 घंटे का इसमें टाइम लगता है। और अगर आपका है जो कि सेम डे ये चेंज हो जाता है, पर आपकी जो ऑनलाइन सर्विसेज होती है, जैसे कि पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, कई लोग है जो कि सेम डे चालू करते हैं तो उनका है जो कि नहीं हो पाता है। तो आप सभी को बता दूं, जब भी आपके अकाउंट के साथ है जो कि मोबाइल नंबर से अपडेट करा जाता है, तो आपको जो कि 24 घंटे का वेट करना होता है। उसके बाद है जो कि सारी सर्विसेज आपके नए मोबाइल नंबर पे एक्टिवेट हो जाती है। तो इस तरीके से आप अपना यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अपना मोबाइल नंबर बदल सकते हो या फिर अपडेट कर सकते हो। रजिस्टर नहीं है तो रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। पूरा प्रोसेस यही रहता है, एक सिंपल सा प्रोसेस है। और ऑनलाइन कई लोग इसके लिए ट्राई करना चाहते हैं, तो बता दूं ऑनलाइन आप कुछ भी कर लीजिए, आपका मोबाइल नंबर चेंज नहीं होगा। कहीं भी मेल कर लीजिए, किसी को भी कुछ भी कर दीजिए ऑनलाइन, आपका है जो कि मोबाइल नंबर चेंज नहीं होगा। RBI ने जो कि सर्विस को ऑनलाइन है जो कि बंद कर दिया है। आपको अगर मोबाइल नंबर अपडेट कराना है तो बैंक ही जाना पड़ेगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।